हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है अभी लास्ट लेक्चर्स में कम इंटरेस्ट में परचेज और सेल्स किस तरीके से करते हैं वो देख चुके हैं। आज जो है हम परचेज और सेल्स देखेंगे, लेकिन हमारा कंसेप्ट जो है हम दो नए कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला कौन सा रहेगा अपना, ब्याज रहित क्रय, मतलब एक्स इंटरेस्ट में परचेज और सेल की एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये जो डिवेंचर्स अकाउंट है हमारा 1% डिवेंचर अकाउंट, उसमें जो है कॉलम पैटर्न पे यदि आप बनाएं तो इजी भी रहता है और एक तरीका है आपका अकाउंटिंग का। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर न्यू पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, क्वेश्चन को रीड करना और कंसेप्ट को समझना। तो चलिए, 1/4/2014 को 15,000 रुपए अंकित मूल्य के एक्स लिमिटेड में 8% ऋण पत्र 16,000 रुपए की लागत पर वाई लिमिटेड द्वारा विनियोग की तरह रखे गए थे। क्या मतलब हुआ, वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स थे, कॉस्ट क्या थी उनकी, प्रिंट प्राइस 15,000 रुपीज थे और उसकी जो कॉस्ट थी वो 16,000 रुपए थी। फिर ब्याज प्रतिवर्ष 6 माही, जनरली अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें अपन ने यही देखा कि इंटरेस्ट जो है वो ईयर में 2 बार दे रहा है, उसकी डेट हमारे पास है 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है। 6,000 रुपए 8% ऋण पत्र 1 अगस्त 2014 को 5,200 रुपए पर ब्याज रहित क्रय किए, एक्स इंटरेस्ट ब्याज शामिल नहीं है, ठीक है, ये खरीदे उन्होंने। और 1 जनवरी 2015 को 3,000 रुपए 8% ऋण पत्र 3,060 रुपए में ब्याज रहित, ये यहाँ पर विक्रय होगा, नहीं खरीदे ही है, 1 जनवरी 2015 को 3,000 रुपए 3,060 रुपए में क्रय किए, 1/3/2015 को 2,000 रुपए 8% ऋण पत्र 2,030 रुपए में ब्याज सहित बेचे गए। क्या मतलब हुआ, 2 बार उन्होंने ऋण पत्र खरीदे हैं और 1 बार उन्होंने बेचे हैं। तो अपन अपनी डेट के हिसाब से एक एक एंट्री करेंगे। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में खानेदार कॉलमर पैटर्न पे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। खाते जो है प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, अकाउंटिंग क्लोजिंग की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो चलिए, हम जो है वाई लिमिटेड की बुक्स में कॉलम पैटर्न पे जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। तो वाई लिमिटेड की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और हमारा इन्वेस्टमेंट किस नाम से है, 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको जो है पैटर्न कॉलम पैटर्न पे बता रही हूं। एक कॉलम हमारा डेट का रहेगा, ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, सेकेंड कॉलम हमारा रहेगा नॉमिनल वैल्यू, अंकित मूल्य जिसको हम कहें नॉमिनल वैल्यू, थर्ड कॉलम हमारा रहेगा इंटरेस्ट का, फोर्थ कॉलम हमारा रहेगा कॉस्ट, ये हमारा यस। तो ये हमारे कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये डेबिट साइड होती है। सेम कॉलम हमारे क्रेडिट साइड में रहेंगे, वही सेम कॉलम के नाम रहेंगे, क्या रहेगा हमारा डेट पर्टिकुलर, देन हमारा क्या रहेगा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इधर हमारा क्या रहेगा इंटरेस्ट, और इधर हमारा रहेगा कॉस्ट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हमें बनाना है 8% डिवेंचर्स अकाउंट। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो 1 अप्रैल 2014 को 15,000 रुपए अंकित मूल्य के 8% डिवेंचर्स पे 16,000 रुपए की लागत पर रखे गए थे, इट मीन्स ये उनके पास पहले से थे, उन्होंने इस ईयर में खरीदे नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी 2014 और डेट है अप्रैल 1, क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दी है, 15,000 रुपए अंकित मूल्य कितने रुपए की लागत से, 16,000 रुपए की, तो सिंपल है नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है 15,000, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं जिसके ऊपर हमें क्या निकालना रहता है ब्याज इंटरेस्ट, और कितने में खरीदे, लागत उसकी जो है अभी की डेट में मार्केट प्राइस हम बोल सकते हैं वो 16,000 रुपए है। पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, हमको डेट का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट की रेट है हमारी क्या है,
यहाँ हम नोट कर लेते हैं क्योंकि बीच में इसका भी ध्यान रखना रहेगा, खरीदने बेचने के बीच में। अब 6,000 रुपए 1% ऋण पत्र 1 अगस्त 2014 को 5,200 रुपए पर ब्याज रहित खरीदे और 1/1/2015 को। पहले अपन एक एक चीज देखेंगे। 1 अगस्त 2014 खरीदे हैं उन्होंने, तो डेबिट में एंट्री आएगी अगस्त। क्या लिखेंगे हम? खरीदते हैं जब, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? 6,000 रुपए के थे और 5,200 रुपए की लागत पर ब्याज रहित खरीदे। तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगी 6,000 रुपए उसकी प्रिंट प्राइस थी, लेकिन खरीदे उन्होंने कितने में? मार्केट प्राइस डाउन थी, उन्होंने 5,200 में खरीदे। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है हमको, ब्याज रहित है तो इसमें से माइनस नहीं करते हैं, अलग से इंटरेस्ट हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है? अब मैंने क्या बताया था आपको, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले उसने कब खरीदे, तो कब खरीदे हैं वो लिख लें हम, 1 अगस्त। और कहां कौन सी डेट लेनी हमको इसके पहले? इसके जस्ट पहले इंटरेस्ट कब डिक्लेयर हुआ होगा? तो देखिए हमारे पास दो डेट मैंने लिख के रखी है, 30 सितंबर और मार्च। तो अगस्त के पहले सितंबर आया होगा कि मार्च? तो बट ऑब्वियसली क्या आया हुआ होगा? मार्च। अब सितंबर तो इसके बाद आएगा, तो हमारी डेट क्या रहेगी? 31 मार्च। इतने मंथ का इंटरेस्ट हमको इस पर कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए मार्च पे 31 है तो मार्च तो लेंगे नहीं, अप्रैल मई जून और जुलाई, कितने मंथ हो रहे हैं हमारे? 4 मंथ। तो हम इस पर जो है 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या रहेगी हमारी कैलकुलेशन? 6,000% हमारे साथ जो नाम के साथ लिखा रहता है, 8% का अपॉन 100 और 4/12। क्लियर ये चीज? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 160। चूंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, ब्याज रहित है, तो हमारी जो ऋण पत्र की राशि है वो अलग रहेगी और ब्याज की राशि अलग रहेगी। यदि कम इंटरेस्ट होता तो हम क्या करते, ये 6,000 रुपए में से इसकी राशि को घटाते और जो राशि आती उसको हम यहाँ पर लिखते और 160 रुपए का ऐसे दे देते। ये चीज क्लियर? ये वाली लाइन का मतलब हो गया हमारा 1 अगस्त को खरीदे थे, उसके बाद अगले उन्होंने परचेज किए 1 जनवरी 2015। बट मैंने आपको बताया इसमें डेट का बहुत ध्यान रखना है, तो उसके पहले आ जाएगी हमारी ड्यू डेट इंटरेस्ट की, ब्याज की। ये 1 जनवरी है और ये 1 मार्च है, उसके पहले हमारी 30 सितंबर को इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी। तो हम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 2014 सितंबर 30, और क्या लिखेंगे हम? हमको बैंक से ही मिलेगा, तो बाय बैंक अकाउंट। और अब देखिए हमारे पास टोटल कितने जो है डिवेंचर्स हो गए हैं, 21,000। हमेशा प्रिंट प्राइस पे इंटरेस्ट निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे इंटरेस्ट कभी नहीं निकालते, ये हमारी जो है प्रिंट प्राइस है। तो 15 + 6 ये हमारे 21,000, परसेंट ही हमारा 8, और कितने मंथ का? 6 मंथ का। हमेशा ड्यू डेट पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 मंथ का निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 840 रुपीज हमारा जो है 6 मंथ का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये हम कर लेंगे। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद जो है 30 सितंबर हो गया है, अब हम लेंगे कौन सी डेट आएगी हमारी? 1 जनवरी 2015। क्या करा है उसने? फिर से परचेज किए हैं, तो 2015 जनवरी 1 क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए के खरीदे उसने? 3,000 रुपए के खरीदे हैं और 3,060 में, सिंपल। ठीक है, अब हमें इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। वही तरीका है हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, क्या रहेगा? कब खरीदे हैं और उसके पहले इंटरेस्ट कब डिक्लेयर हुआ था, वो डेट हमें देखनी है। तो देखिए कब खरीदे उसने, मैं यहां पे लिख लेती हूँ जनवरी 1। यहाँ की डेट अपनी कौन सी रहेगी? इसके जस्ट पहले डिक्लेरेशन डेट कौन सी है? तो मार्च तो जनवरी के बाद आएगा, सेप्टेम्बर इसके पहले आएगा, तो 30 सितंबर। ठीक है, तो 30 सितंबर है, कितने मंथ हो रहे हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी तो लेंगे नहीं, तो 3 मंथ। इट मीन्स इस पर हम कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कर लें,
3000 into 8 upon 100 percent हमारा 80 चल रहा है और 3 upon 12 सॉल्व कर ले तो ये आ रहा है आपका 60 रुपीस। क्लियर ये चीज, ये हमारी यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब एक जनवरी के बाद यहाँ पे देखिए 1 मार्च 2015 को वो सेल आउट कर रहा है 2000 रुपए के ऋण पत्र, तो बेच रहा है तो इस साइड एंट्री आएगी, तो हम इस साइड एंट्री करेंगे 2015 और डेट क्या है हमारी मार्च 1 बाय बैंक अकाउंट। उन्होंने हमको प्रिंट प्राइस दे दी है, नॉमिनल वैल्यू अंकित मूल्य 2000 और 2030, ठीक है। उसने जो खरीदे हैं वो भी एक्स इंटरेस्ट है, ब्याज रहित है, और जो बेचे हैं वो भी ब्याज रहित है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का पैटर्न मैंने आपको बोला है कि खरीदे हो चाहे बेचे हो आपका तरीका हमेशा एक जैसा रहेगा। तो कब बेचे उसने वो डेट में लिख लेती हूँ यहाँ पर, तो 1 मार्च, ठीक है। और हमें क्या देखना है इसके जस्ट पहले डिक्लेरेशन डेट, तो ये तो बाद में आएगी 30 सितंबर, ठीक है। कितने मंथ हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च तो लेंगे नहीं, 5 मंथ। इट मीन्स इस पर हम निकालेंगे 5 मंथ का, जिस समय हम बेच रहे थे उस समय तक 5 महीने का ब्याज जो है वो ड्यू हो चुका था। 2000 इनटू परसेंट हमारा 8% ही है और 5 upon 12, सॉल्व कर ले इसको। ये कुछ पॉइंट में आएगा 40 और 200 डिवाइडेड बाय 3 23 6 और फिर से आएगा 20, तो कंटिन्यूशन में 66.666 आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 67, ठीक है। यस, इसके बाद जो है हम करते हैं, ये हो गया हमारा। अब 31 मार्च आ गई, हमको ईयर पूरे एक ईयर का कंप्लीट करना होता है, ईयर हम लिख चुके हैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मार्च 31। अब हमारे पास हमको देखना है बैलेंस क्या बचा, ठीक है। तो बाय बैलेंस, सॉरी उसके पहले हमको क्या देना है 31 मार्च को, चूंकि ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, तो हम जो है यहां पर क्या निकालेंगे इंटरेस्ट बाय बैंक अकाउंट। तो अब हमारे पास कितने डिबेंचर्स बचे हैं, तो देखिए टोटल 15 + 6 ये हमने खरीदे थे 21, 21 + 3 = 24, 24 में से 2 हमने बेच दिए, तो हमारे पास डिबेंचर्स कितने बचे हैं 22,000। तो 22,000 पर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है ड्यू डेट पे निकालेंगे, उसके बाद हम बैलेंस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, 15,000 + 6,000 + 3,000 ये टोटल हमारे पास 24,000 के डिबेंचर्स हो गए थे, बट उसमें से हमने 2,000 के सेल आउट कर दिए, तो हमारे पास 22,000 के डिबेंचर्स बचे। और ड्यू डेट पे मैं आपको फिर बता रही हूं कि हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 880। क्लियर ये चीज। अब हम यहां पे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा ईयर एंडिंग है, तो ईयर एंडिंग पे हम क्या निकालेंगे बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस जब हम निकालेंगे तो देखिए डिबेंचर्स का बैलेंस हमने निकाला, इस कॉलम का हम बैलेंस निकालें तो 22,000 आएगा, बट ये कॉस्ट का जब आप बैलेंस निकालेंगे तो आपको किस तरीके से करना है वो आप समझ लीजिए। इसमें जो बैलेंस निकालते हैं अमाउंट का वो तरीका थोड़ा सा चेंज है, ये हमने इसका टोटल करके इसमें से इसको घटा के ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ, मैं सर्कल इसलिए लगा रही हूँ कि बैलेंसिंग फिगर है। कॉस्ट का बैलेंस हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखते हैं, तो इसका हम टोटल कर लेंगे, तो 16 + 5200 = 21,200 + 3 = 24,260 ये हमारा बैलेंस आ रहा है। तो जब भी आपको इसका बैलेंस निकालना रहेगा तो हमारा ये क्या रहेगा कि ये जो टोटल है हमारा कितना आ रहा है 24,000, तो हमेशा जब भी बैलेंस निकालना हो कि ये बैलेंस आपका है 24,000 डिबेंचर्स का, कितनी कॉस्ट आ रही है 24,260, देयरफॉर 22,000 की कॉस्ट क्या रहेगी। हमेशा इसमें बैलेंस जब भी निकलेगा इसी तरीके से निकलेगा कि आपके टोटल डिबेंचर्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है तो बचे हुए की कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको मैथमेटिकल रूल जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये डिवाइड में जाएगा,
तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 24,260 डिवाइडेड बाय 24,000। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24,260 मल्टीप्लाई बाय 22,000 और डिवाइडेड बाय 24,000, ये आ रहा है 22,238.33। तो हम पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, तो 22,238 ये हमारा क्या रहेगा बैलेंस, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर आप लोग को? अब इसके बाद अब हमारा मेन बैलेंसिंग फिगर कैसे रहेगा, हम जो है इसका बैलेंस निकालेंगे और इसका भी जो है हम टोटल चेक करके किसी भी साइड बैलेंस हो सकता है, और वो बैलेंस क्या रहेगा, ये जो हमने डिवेंचर्स बेचे हैं उस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर रहेगा वो। तो हो सकता है वो इस साइड भी आए, हो सकता है वो इस साइड भी आए। सबसे पहले हम इंटरेस्ट का बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट का हमारा इधर का टोटल कितना है, 220, और इधर का हम टोटल कर लेते हैं तो ये है हमारा 840 प्लस 67 प्लस 880, ये आ रहा है 1787। तो टोटल जिस साइड का ज्यादा होता है हम उस साइड दोनों साइड लिखते हैं 1787, क्लियर। अब 220 जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे 220, तो 1567 हमारा इंटरेस्ट का बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस क्या चीज शो कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मार्च 31 को हम ये चीज शो करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट के कारण हमारा जो है कितना आ रहा है 1567। ये हमें इंटरेस्ट में इस साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज क्लियर। सेम चीज हम चेक करेंगे कॉस्ट वाले कॉलम में, ठीक है। तो हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारा इधर का टोटल तो ऑलरेडी है 24,260, इधर का टोटल हम कर लेते हैं तो 22,238 प्लस 2030, ये आ रहा है 24,268, ठीक है। तो ज्यादा वाला टोटल हम लिखेंगे 24,268, 8 रुपीज का डिफरेंस है और वो इसी साइड आ रहा है, इट मीन्स हमको डिवेंचर्स के बेचने पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और ये टोटल तो हमारा 24,000 रहेगा, ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्स इंटरेस्ट में परचेज और सेल का कंसेप्ट।